The question is, prepare balance sheet of X Limited as at 31st March. The year is there from the following information. तो आपको balance sheet of X Limited बनाना है. तो notes to accounts पहले बनाओ और उसमें लिखो share capital, note 1. सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल लिखो, इसके नीचे लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल है, खाली इक्विटी शेयर कैपिटल इज देयर 20 लाख और इसके नीचे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है 10 लाख. तो नोट 1 में शेयर कैपिटल के हेड में आएगा 30 लाख टोटल. जब दो तीन आइटम होते हैं मोर देन 1 उसको टोटल करना होता है. देन नेक्स्ट वन विल बी रिजर्व्स एंड सरप्लस. और रिजर्व एंड सरप्लस के हेडलाइन में आपके आएगा बैलेंस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस. स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 3 लाख जो कि हमें दे रखा है 3 लाख. नेक्स्ट वन इज जनरल रिजर्व भी है. ये रिजर्व एंड सरप्लस के 3 लाख दे रखा है और जनरल रिजर्व हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1 लाख. तो 3 लाख प्लस 1 लाख दैट इज इक्वल टू 4 लाख. इट वॉज नॉट जनरल रिजर्व, इट इज एक्चुअली द लास्ट आइटम व्हिच वॉज मिस्टेकन. दिस इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1 लाख. तो यू हैव टू चूज दिस, डोंट राइट डाउन जनरल रिजर्व, राइट डाउन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1 लाख. एंड टोटल रिजर्व इज ऑफ योर्स 4 लाख. नाउ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यू हैव 12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 6 लाख. फोर्थ नोट अदर करेंट लाइबिलिटीज, इट इज करेंट लाइबिलिटीज गिवन टू अस रुपीज 8 लाख. देन कम्स योर शॉर्ट टर्म प्रोविजन. अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन you have provision for taxation 2 lakh, write down provision for taxation. 6th note, tangible assets. Tangible assets at fixed assets at cost is there 46,60,000. Uske next line mein, it was the third item, iske next line mein de rakha hai depreciation written off till date. Aaj tak ye fixed assets ke upar कितना डेप्रिसिएशन जा चुका है इसको माइनस करके 16,60,000. फोर्थ आइटम फाइनल कॉलम में दिखाओ 3 लाख. लेस डिप्रिसिएशन रिटन ऑफ टिल डेट, उन्होंने जो इंग्लिश लिखा था मैं पूरा उतार दिया, फाइनल कॉलम में 30 लाख. देन नोट्स टू अकाउंट्स में 7th वन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर लोन्स एंड एडवांसेस 50,000. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आया लोन्स एंड एडवांसेस 50,000 एंड दिस इज द फाइनल नोट्स टू अकाउंट्स. 7 आइटम्स है, हमें फिर 8 वाला और भी है. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स इसके नीचे है आपके, खाली इन्वेस्टमेंट्स 4 लाख हमने खरीदा है, इट इज 5th आइटम. देन नेक्स्ट वन इज इन्वेंटरीज. इन्वेंटरीज नीचे आएगा स्टॉक 6 लाख, डायरेक्ट रखा है स्टॉक 6 लाख. देन 10th नोट्स में ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल दो होता है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, बट इसमें हमारा खाली एक दे रखा है सॉन्ड्री डेटर्स 8 लाख. देन वर्किंग देन नोट 11 दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें दे रखा है 1,50,000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज गिवन ओनली 1,50,000. इसी को लेकर हम बैलेंस शीट बनाएंगे. हम लिखेंगे एक्स लिमिटेड और एक्स लिमिटेड के नीचे लिखेंगे बैलेंस शीट आज 31st मार्च, ईयर दे रखा है क्वेश्चन में उतार दो, आज पर शेड्यूल 6 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. वी हैव 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट. और पहले होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट, इसके नीचे आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, इसके नीचे शेयर कैपिटल जो कि नोट 1 के हिसाब से 30 लाख. अब नोट से देखो उतार दो फॉर्मेट में.
बी होता है इसका रिजर्व एंड सरप्लस नोट टू 4 लाख, देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉट करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थर्ड नोट नंबर 6 लाख, नोट नंबर 3, देन थर्ड होता है करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज के अंदर नोट नंबर 4 में अदर करेंट लाइबिलिटीज 8 लाख आएगा। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपके प्रोविजन टैक्स नोट नंबर 5 2 लाख, देन टोटल हो गया आपके 50 लाख। बैलेंस शीट का टोटलिंग एक साइड का, लाइबिलिटी साइड का 50 लाख आ रहा है। देन आपके एसेट्स पार्ट, सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स, उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, नोट नंबर 6 देखो वर्किंग्स में 30 लाख। नेक्स्ट वन इज लोन्स एंड एडवांसेस, दैट इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस नोट 7 में 50,000 दे रखा है लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट वन इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 8 नंबर, नोट नंबर 8, ये आएगा 4 लाख अमाउंट कॉलम में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट वन इज करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में हमें कुछ है नहीं, तो करेंट एसेट के कोई नोट है नहीं अभी, उसी के नीचे आएगा इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज मीन्स स्टॉक, और नोट नंबर 9 6 लाख इन्वेंटरीज स्टॉक। देन ट्रेड रिसीवेबल होता है बिल्स रिसीवेबल, नोट नंबर 10 8 लाख बिल्स रिसीवेबल, ये पैसे मिलने वाला है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। देन 11, 10, नोट 10 जाने के बाद नोट 11 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दैट इज नोट नंबर 11 रुपीज 1,50,000 एंड दिस इज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देन लास्ट हम करेंगे क्या टोटलिंग, दैट इज 50 लाख बोथ टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड एंड टैली, एंड दिस इज फाइन, दिस इज द फाइनल आंसर।